भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धा एंड हिज धम्मा, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। इस समय हम आपके पास पहुंचा रहे हैं बाबा साहेब की इसी रचना का हिंदी अनुवाद, जिसे डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने किया है। और इस कड़ी में हमने पिछले सप्ताह देखा कि किस तरह राजकुमार सिद्धार्थ उनके बाल्यकाल से लेकर तो उनके युवावस्था तक और फिर उनके विवाह के बाद जो स्थितियां बनी, अब स्थिति बन रही है कि राजकुमार सिद्धार्थ को रोकने के लिए उनके पिता ने बहुत सारी उनके मनोरंजन की और उनके भोग विलास की व्यवस्थाएं की, लेकिन उसका उन पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने उसे तुच्छ जानकर छोड़ दिया। अब जो इसमें चैप्टर आता है वो है शाक्य संघ की सदस्यता ग्रहण करने का। हम ये तो नहीं कह पाएंगे कि भारत में गणराज्य जिस तरह से विकसित हुए उनमें लोकतंत्र कितना मजबूत था उस वक्त, लेकिन अब नए सिरे से जब हमने नए लोकतांत्रिक भारत में कदम रखा 1950 से, मतलब 1949 में भारतीय संविधान के स्वीकारोक्ति के बाद, लेकिन फिर भी हम अपने उस भारत को अगर देखें जो ईसा पूर्व 600 साल पहले का भारत है, जब राजकुमार सिद्धार्थ है और उनके वो जो छोटे छोटे जनपद, छोटे छोटे गण, उन गणों में किस तरह की व्यवस्था थी, तो इसमें शाक्यों का एक संघ हुआ करता था। और शाक्यों के इस संघ में एक अनिवार्यता थी कि जितने भी शाक्य हैं जो 20 साल की आयु पूरी कर चुके हैं उन्हें शाक्य संघ का सदस्य बनना जरूरी होता था। और ये आवश्यक होने के कारण अब चूंकि राजकुमार सिद्धार्थ की उम्र भी 20 साल हो चुकी थी, उन्होंने अपनी आयु के 20 साल पूरे कर लिए थे, तो उन्हें भी शाक्य संघ का सदस्य बनना होता था और इसके लिए वे पात्र थे। अब देखिए कि आगे क्या होता है। देखिए, शाक्यों का अपना एक संघ भवन था और जिसे वे संथागार कहते थे। ये कपिलवस्तु में ही था और संघ सभाएं संथागार में ही होती थी। ये जो व्यवस्था है कि लोकतंत्र में इस तरह की व्यवस्थाएं मिलती है, राजतंत्र में ये व्यवस्थाएं नहीं मिलती कि लोग सारे नागरिकों के साथ मिलजुल कर आगे बढ़े। तो संघ सभाएं संथागार में होती थी और सिद्धार्थ को संघ में दीक्षित कराने के लिए शुद्धोधन ने शाक्य पुरोहित को संघ की एक सभा बुलाने के लिए कहा, जबकि शुद्धोधन ये स्वयं राजा थे और राजा के लिए ये बात कोई विशेष नहीं थी कि वे अपने बेटे को, अपने पुत्र को शाक्य संघ का ऐसे ही सदस्य मनोनीत कर लें, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने विधिवत शाक्य संघ की सभा बुलाने के लिए कहा और सभा बुलाने के बाद अब देखिए कि कपिलवस्तु में शाक्यों के संथागार में संघ एकत्रित हुआ और सभा में पुरोहित ने प्रस्ताव किया कि सिद्धार्थ को संघ का सदस्य बनाया जाए। यहां सेना पुरोहित ने यह प्रस्ताव दिया है तो शाक्य सेनापति अपने स्थान पर खड़ा हुआ और उसने संघ को संबोधित किया और कहा कि शाक्य कुल के शुद्धोधन के परिवार में उत्पन्न गौतम संघ का सदस्य बनना चाहता है। मतलब इसके लिए प्रस्ताव आया है, इसके लिए एप्लीकेशन आई है, आवेदन आया है कि राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य संघ का सदस्य बनना चाहते हैं। उसकी आयु के पूरे 20 वर्ष हो चुके हैं और वह हर तरह से संघ का सदस्य बनने के योग्य है, इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि उसे शाक्य संघ का सदस्य बनाया जाए। यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो
तो बोले। ये शाक्य संघ के लिए एक ऐसा अवसर है कि यदि कोई राजकुमार को भी शाक्य संघ का सदस्य ना बनाना चाहे या फिर ना देखना चाहे या फिर उसे अपात्र माने तो वो बोले। ये जो बोलने की जो अवसर है या फिर अनुमति है, ये स्वतंत्रता लोकतंत्र की विशेषता होती है कि यहां सबको बोलने की अनुमति होती है और सबको बोलने के लिए सुविधा भी होती है। तो अब देखिए कि यदि कोई इस प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। किसी ने प्रस्ताव का विरोध तो नहीं किया। फिर सेनापति ने कहा कि मैं दूसरी बार पूछता हूं, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए फिर कोई खड़ा नहीं हुआ तो सेनापति ने फिर तीसरी बार कहा कि मैं तीसरी बार पूछता हूं, यदि कोई प्रस्ताव के विरुद्ध हो तो बोले। अब ये तीन बार प्रस्ताव पर उन्होंने लोगों का मत जानना चाहा और तीसरी बार भी प्रस्ताव के विरुद्ध किसी ने आवाज नहीं उठाई। तो शाक्यों में यह नियम था कि बिना प्रस्ताव के कोई कार्रवाई नहीं हो सकती और जब तक कोई प्रस्ताव तीन बार पास ना हो तब तक वो कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था। ये शाक्य संघ की अपनी व्यवस्था थी कि तीन बार पूछा जाए किसी भी प्रस्ताव पर और फिर उस प्रस्ताव के विरोध में, उस प्रस्ताव के समर्थन में अगर कोई बात आती है तो उस पर चर्चा हो और अगर ऐसा नहीं है तो फिर उस प्रस्ताव को पारित माना जाए। तब तक वो उसमें कार्य रूप में परिणत नहीं किया जा सकता था। अब क्योंकि सेनापति का प्रस्ताव तीन बार निर्विरोध पास हो गया था, इसलिए सिद्धार्थ के विधिवत शाक्य संघ का सदस्य बन जाने की घोषणा कर दी गई। चूंकि कोई विरोध नहीं आया तो राजकुमार सिद्धार्थ को शाक्य संघ का सदस्य स्वीकार कर लिया गया, इसकी घोषणा कर दी गई। तब शाक्यों के पुरोहित ने खड़े होकर सिद्धार्थ को अपने स्थान पर खड़े होने के लिए कहा। अब पुरोहित ने सिद्धार्थ को अपने स्थान से खड़ा किया और सिद्धार्थ को संबोधन करके पूछा। अब सिद्धार्थ से पूछा गया कि क्या आप इसका अनुभव करते हैं कि संघ ने आपको अपना सदस्य बनाकर सम्मानित किया है? तो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, हाँ मैं ऐसा अनुभव करता हूं कि शाक्य संघ ने मुझे अपना सदस्य बनाकर मुझे सम्मानित किया है। फिर उनसे दूसरा प्रश्न पूछा गया, क्या आप संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? पुरोहित ने पूछा कि क्या आप शाक्य संघ के सदस्यों के कर्तव्य जानते हैं? तो उन्होंने कहा, मुझे खेद है, मैं इन कर्तव्यों से अपरिचित हूं, लेकिन मुझे प्रसन्नता होगी यदि मुझे ये सब बताया जाए। तो पुरोहित ने कहा, मैं सर्वप्रथम आपको बताऊंगा कि संघ के सदस्य की हैसियत से आपके क्या कर्तव्य हैं। तो उसने उन्हें एक एक करके क्रमशः उनके सारे कर्तव्य गिनाए। तो पहला कर्तव्य जो आपको बताते हैं, ये देखिए, एक जो जनतांत्रिक व्यवस्था होती है जिसे हम कहते हैं कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता वाली व्यवस्था, हम देख सकते हैं कि 2500 साल पहले भी हमारा भारत इस तरह की व्यवस्था को प्रैक्टिस कर रहा था। ये बुद्ध काल का वक्त है और इस वक्त में लोग इस बात की प्रैक्टिस कर रहे थे कि एक दूसरे की बात को जाने और समझे और उसको तवज्जो दे। तो देखिए, पहला कर्तव्य उनको बताया गया कि आपको तन, मन और धन से शाक्यों के स्वार्थ की रक्षा करनी होगी। शाक्यों के जो हित है उन हितों की रक्षा शाक्य संघ के प्रत्येक सदस्य को करनी होगी। ये हो गई पहली बात, ये पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य है कि आपको संघ की सभाओं में उपस्थित रहना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप भाई राजकुमार हैं और आप संघ की सभाओं में उपस्थित नहीं रहोगे, ये नहीं। ये आपका कर्तव्य है कि आप संघ की सभाओं में उपस्थित रहें। और तीसरी बात, आपको बिना किसी भय या पक्षपात के किसी भी शाक्य का दोष खुलकर बताना होगा।
ये बड़ी महत्वपूर्ण व्यवस्था है कि यदि किसी सदस्य में कोई दोष है तो उस दोष की चर्चा कहीं भी ना करते रहें, उस दोष की चर्चा शाक्य संघ की सभा में खुलकर बताएं, और ये बिना किसी पक्षपात के बताएं, बिना किसी भेदभाव के बताएं और बिना किसी डर के बताएं, और ये सदस्य का कर्तव्य है। अब ये चौथी बात, देखिए, यदि आप या फिर आप पर भी कोई दोषारोपण किया जाए तो आपको क्रोधित नहीं होना होगा, दोष होने पर अपना दोष स्वीकार कर लेना होगा और निर्दोष होने पर वैसा कहना होगा। अगर किसी पर कोई दोष जाता है, आप पर स्वयं पर भी कोई दोष जाता है, तो आपको उस दोष से क्रोधित होने का अधिकार नहीं, यह आपका कर्तव्य है कि आप बिना क्रोधित हुए, अगर आपका दोष आपको स्वीकार है तो आप उसको स्वीकार कर ले, और यदि आपको वो स्वीकार ये नहीं है तो फिर आप अपने निर्दोष होने के समर्थन में जो मुद्दे हैं वो सामने रखें और अपने आप को निर्दोष साबित करें। और शाक्य संघ में इस तरह की ये जो व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि ये कितनी स्वतंत्रता की और कितनी सहज व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था कि जिसमें किसी को कोई तकलीफ ना हो। तो ये 2500 साल पहले की शाक्य संघ की ये व्यवस्था है। अब देखिए इसके आगे फिर पुरोहित कहते हैं, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि क्या करने से आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। मतलब राजकुमार कुछ भी करें, इसकी कोई अनुमति नहीं है और इसकी कोई सुविधा भी नहीं है। यदि वो शाक्य संघ के सदस्य हैं तो बस सदस्य हैं, और शाक्य संघ ने जो कुछ निर्णय किया है, जो कुछ निर्धारित किया है, बस उसी के अनुसार शाक्य संघ के सदस्यों को अपना बर्ताव करना है, अपना आचरण करना है। अब पुरोहित ने संघ के सदस्य न रह सकने के लिए उनको कुछ बातें बताई, और वो थी पहली बात कि व्यभिचार करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। मतलब साफ जाहिर है कि यदि कोई व्यभिचारी है, उसका आचरण दूषित है, वह अनाचारी है, तो फिर वो शाक्य संघ का सदस्य नहीं रह सकता है। ये पहली बात। दूसरी बात वे कहते हैं कि किसी की हत्या करने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। मतलब कोई हत्यारा भी शाक्य संघ का सदस्य नहीं रह सकता। अगर कोई हिंसा करता है, कोई हत्या करता है, तो फिर वो शाक्य संघ का सदस्य नहीं रह सकता। फिर तीसरी बात, चोरी करने पर भी आप संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। यदि आपने चोरी की है, या फिर आप चोर हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, तो फिर आप शाक्य संघ के सदस्य नहीं रह सकेंगे। ये राजकुमार सिद्धार्थ को बताया जा रहा है। और फिर चौथी बात, झूठी गवाही देने पर आप संघ के सदस्य ना रह सकेंगे। यदि आपने द्वेषवश, ईर्ष्यावश, क्रोधित होकर, जानबूझकर अगर किसी के खिलाफ झूठी गवाही दे दी, तो झूठी गवाही देने वाला आदमी ये शाक्य संघ का सदस्य नहीं रह सकता। अब देखिए कि शाक्य संघ अपने आप में एक कितना मजबूत संघ था, कि जो संघ पूरी स्वतंत्रता के साथ, एक समानता के व्यवहार के साथ आगे बढ़ रहा था, और उसमें भी एक बंधुत्व है, और ऐसी समानता है कि राजा का पुत्र हो चाहे फिर सामान्य नागरिक हो, सबके लिए नियम एक सा है, और एक से नियम के साथ ये शाक्य संघ आगे बढ़ रहा है। अब पुरोहित की बात सुनने के बाद सिद्धार्थ का ये उत्तर था कि मान्यवर, मैं आपका कृतज्ञ हूं कि आपने मुझे संघ के नियमों से परिचित कराया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं उनके अर्थ और व्यंजन सहित उन्हें पालन करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। अब राजकुमार सिद्धार्थ ने यह गवाही दे दी, ये विश्वास जताया कि हाँ, मुझे शाक्य संघ के ये सारे नियम
मान्य है, जो कर्तव्य मेरे हैं उन कर्तव्यों का भी पालन करूंगा और जो मेरे लिए कंडीशंस डाले गए हैं उन कंडीशंस पर भी मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मैं इन सारे नियमों को उनके अर्थ और व्यंजन दोनों के साथ इसका पालन करूंगा। अब यहां से राजकुमार सिद्धार्थ शाक्य संघ के सदस्य बन गए और ये जो पाठ है वो यहाँ खत्म होता है और इस हिस्से को खत्म होने के बाद ये नया हिस्सा शुरू हो जाता है संघ से संघर्ष का। तो अब आगे आपको बताएंगे, अब यहाँ वक्त ये पूरा होता है तो यहाँ रुकना होगा। हम रुकते हैं बुद्ध और उनका धम्म की इस कड़ी में, जिसमें हम बुद्ध और उनका धम्म इस कालजयी रचना का ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुँचा रहे हैं। लेकिन इस हिंदी अनुवाद को आप तक पहुंचाते हुए जब अगली कड़ी में हम आपसे मिलेंगे तो आपको आगे की बात बताएंगे। अब इजाजत चाहते हैं। बुद्ध और उनका धम्म।